और आपको बता दें कि बिहार के सहरसा में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। एक तरफ उबस वाली गर्मी और तेज धूप से लोगों को राहत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आज सुबह से नगर निगम चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की काफी भीड़ दिखी। भीषण गर्मी के बीच लोगों में वोट डालने के लिए उत्साह था। मालूम हो कि सहरसा में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। लोगों को काफी उम्मीद है कि मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद बेहतर प्रतिनिधि की जीत होगी, जिससे नगर निगम का विकास हो पाएगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक चला। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कई ऐसे मतदाता मिले जो पहली बार मतदान कर रहे थे। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि ऐसा प्रतिनिधि जीत कर आए जो झूठे वादे नहीं, सच में सहरसा का विकास करे। आपको बता दें कि सहरसा जिले में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ, जिसके लिए 46 वार्ड में 190 स्थायी और 4 चलंत बूथ बनाए गए थे, जिस पर कुल 1,71,599 मतदाता मतदान कर 28 मेयर पद के प्रत्याशी, 31 डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी और 254 वार्ड पार्षद प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। पहली बार वोट डाल रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कोई ऐसे कैंडिडेट आए जो हमारे सोसाइटी को और पूरे सहरसा को डेवलप कर सके। तीन तीन पद पर वोट हो रहे हैं, मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद, तीनों ऐसे आए जो सहरसा को थोड़ा डेवलप करे। सहरसा बहुत साल से बहुत पीछे चल रहा है, अभी भी बहुत